Please take a moment to subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. ₹2018 रणवीर सिंह के लिए प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट पर काफी लकी रहा। इनफैक्ट रणवीर और सलमान भी टाउन के अकेले स्टार्स हैं, जिनकी फिल्म्स ने 500 करोड़ क्लब में कदम रखा है। वेल, हम सब जानते हैं कि सलमान खान को बॉक्स ऑफिस का सुल्तान कहा जाता है और उनकी फिल्में हमेशा से ही बॉक्स ऑफिस पर राज करती हैं। और अब यही रणवीर सिंह के साथ भी देखा गया है। पिछले साल 2018 में रणवीर सिंह की फिल्म पद्मावत ने 302.15 करोड़ कमाए। ये फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि ये रणवीर की पहली 300 करोड़ फिल्म थी। फिर उनकी फिल्म सिम्बा ने भी अब तक 230 करोड़ क्रॉस किए हैं और आज भी कलेक्शन बढ़ता ही जा रहा है। तो अब अगर इन दोनों फिल्म्स के कलेक्शंस को कंबाइन कर दिया जाए तो फिर एक ही साल के आंकड़े 532.15 करोड़ पर आकर रुकते हैं, जो कि किसी भी बॉलीवुड एक्टर ने पहले नहीं किया है। इससे पहले साल 2015 में सलमान खान ने भी ये टाइटल बैक किया था, जब उनकी फिल्म्स बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो ने मिलकर 530.50 करोड़ कलेक्ट किए। तब से वही इस लिस्ट पर टॉप कर रहे थे, पर अब रणवीर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और ये टाइटल उनसे छीन लिया है। फिलहाल बस इतना ही, मगर ऐसी ही इंटरेस्टिंग ट्रिविया के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।